हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज़्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को, मोदी जी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपये किलो चीनी का वादा था, हम लोग भावनाओं में बह गए, हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में। लेकिन अब जो है न्याय के लिए हम राहुल भैया के साथ हैं, ग्राउंड पे हैं, ज़मीन पे हैं, उनके साथ हैं। हमने स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी चैनलों पे देखा था, हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन टीवी चैनलों पे हम देखते थे, स्लो मोशन में कुछ कार्यक्रम उनका वगैरह आता था, हम भी बचपन में देखा करते थे, तो लगता था हाँ कोई होंगी ठीक है। हम उसी भावना में बह करके वोट कर दिए, हमने लगा था कि विकास उकास होगा। लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है, उनके सांसद बनते ही यहाँ की ट्रिपल आईटी को बंद करवाया जाता है, उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियां, चाहे आप एचएल ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियां थी होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। एचएल कोरवा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने, सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया, भेल की 3 यूनिटें चलती थी वहाँ, उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया, अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान है, 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं, ये उन्होंने बाकायदा DM को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इसको बंद करवाइए, लेकिन आप अमेठी में आज भी घूम लीजिए, प्रतिदिन 2-4-5 दिन में अखबार में लिख करके आता है आवारा जानवर से टकराने के बाद युवक की गई जान, मतलब लोगों के चिराग तक बुझ रहे हैं, और स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी का पर्यटन करने में व्यस्त हैं, अमेठी में नवनिर्मित फार्म हाउस का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर, राम मंदिर तो बनवा दिया, राम मंदिर बनवाया ना, पूर्व भक्त हैं इसलिए कहते हैं कि राम मंदिर दिया था स्मृति ईरानी को, इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा, हमारी हजारों पीढ़ियां राम मंदिर, राम में आस्था रखने वाली थी, हम भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं है, और बार बार जाकर के राम मंदिर में भव्य जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे, हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम भारत के हिंदू हैं, हमारी आस्था श्री रामचंद्र में, हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी की छलावे वाली नीतियों में नहीं।